हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुखकर्ता इंजीनियरिंग एकेडमी में। मैं हूं अश्विन महाजन, डायरेक्टर ऑफ सुखकर्ता इंजीनियरिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस, हमारा न्यू सब्जेक्ट, और उस पर हम स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है ग्राफ थियरी। फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ थियरी है, ये ग्राफ थियरी हम सीखने वाले हैं तीन पर्टिकुलर पार्ट्स में, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम कवर करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद सिंपल ग्राफ एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद डायरेक्टेड ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये जो ग्राफ थ्योरी है, जब आप अगर सपोज आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होंगे, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आपके भाई बहन थर्ड सेमेस्टर में है जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उनको अगर ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप कोई कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हो, आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत बार जब हमें सर्किट का एनालिसिस करना होता है, तो मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इनके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक है, तो उनमें से एक है वो है ग्राफ थियरी। हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप ग्राफ थियरी के इससे भी उस सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो आप किस तरह से उसे करेंगे, तो जब आप ये तीनों भी पार्ट अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको उसके बाद में कोई भी सर्किट का एनालिसिस बहुत इजीली करता आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ और कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है, मतलब कोई भी अगर सर्किट दिया है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, तो उसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब निकालता हूँ, तो कंसिडर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया, जिसमें मैं एक रेजिस्टिव सर्किट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो भी रेजिस्टिव सर्किट ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस सर्किट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसमें है दिए हुए 6 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऐसे मैंने 6 रेजिस्टेंसेस और एक वोल्टेज सोर्स V वोल्ट्स, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब फ्रेंड्स जब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ होता क्या है वो समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो और उसका अगर हमें ग्राफ निकालना हो, तो ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, सर्किट में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं, उन नोड को ब्रांच से कनेक्ट करके, ब्रांच से मतलब ब्रांच एलिमेंट को लाइन से रिप्लेस करते हैं हम। ब्रांच एलिमेंट मतलब वहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, जो भी हो, उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे, एक लाइन सेगमेंट से, और जो नंबर ऑफ नोड्स है उनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो जो स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ जंक्शन आपके सर्किट में प्रेजेंट है, उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्राफ। देखिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, वो पढ़ना है किसी भी सर्किट का ग्राफ कैसे निकालते हैं। ओके, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं, ध्यान में रखिए, जितने भी नंबर ऑफ सर्किट में नोड्स हो, जंक्शंस हो, ओके, तो वो नंबर ऑफ नोड्स या जंक्शन को हम लाइन सेगमेंट से अटैच करके, मतलब उनको ज्वाइन करके जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ग्राफ। अब फ्रेंड्स सिंपल ग्राफ की अगर बात बोले, तो उस ग्राफ में सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी वो मार्क की हुई होंगी, नंबर ऑफ नोड्स या जंक्शन जो है उनको मार्क किया जाएगा, पर उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अभी भी नोड में, जंक्शन में भी कन्फ्यूजन हो, तो उसके बारे में भी हमने पहले बेसिक्स में हमने पढ़ाया था, उसके भी एक वीडियो हमने अपलोड की थी इसी चैनल पे, तो उसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट में अभी भी कन्फ्यूजन हो, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको उसमें दिक्कत आती हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी वो भी परेशानी दूर कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
तो मुझे क्या करना है, ये जो सर्किट यहाँ पे दिया है इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले आपको एक काम करना है, क्या करना है, जो भी सर्किट आपके पास है उसमें कितने नंबर ऑफ जंक्शंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। आप बोलेंगे सर मुझे आपने जंक्शन ही क्यों बोला, तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके सर्किट में उन्होंने मार्क करके दिया है कि नोड के, अगर सपोज वहाँ पे मार्क करके दिया है तो वेल एंड गुड, पर अगर ना दिया हो तो हमेशा आप वहाँ पे जंक्शन को ही आइडेंटिफाई कीजिए। जहाँ पे मतलब आप बोलेंगे कि सर हमेशा जंक्शन ही क्यों, जहाँ पे मिनिमम तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस मीट होती होंगी ऐसे। ये मेरा वाला अलग सुझाव है, आपको अगर कोई भी सर्किट दिया है उसका अगर ग्राफ निकालना है जिसमें दो से ज़्यादा लूप प्रेजेंट हो, ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसमें दो से ज़्यादा लूप प्रेजेंट हो तो हमेशा वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ जंक्शंस होना। अगर दो से कम लूप भी दी हो, सॉरी अगर तीन से कम लूप दी हो, मतलब दो से अगर ज़्यादा हो तो जंक्शन, पर तीन से अगर कम लूप दी हो तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वहाँ पर हम नोड को आइडेंटिफाई करें। अगर पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ना दिया हो तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि आपको मोस्ट ऑफ टाइम जंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितने जंक्शन बनते हैं, तो जंक्शन किसे बोलते हैं हम, जहाँ पे मिनिमम तीन या तीन से ज़्यादा ब्रांचेस मीट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम जंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई फर्स्ट ब्रांच, ये हो गई सेकेंड ब्रांच, ये हो गई थर्ड ब्रांच, तो ये हो गया मेरा एक जंक्शन। उसके बाद में यहाँ पे तीन है तो ये हो गया मेरा सेकेंड जंक्शन, ये हो गया मेरा थर्ड जंक्शन, ये हो गया मेरा फोर्थ जंक्शन। ध्यान में रखिएगा, आप बोलेंगे जंक्शन ही क्यों, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे दो से ज़्यादा क्या हो लूप्स क्रिएट होती हो तो हमेशा उस केस में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ जंक्शंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने जंक्शन को ले लिया, बिकॉज एवरी जंक्शन बी अ नोड बट एवरी नोड के नॉट बी अ जंक्शन। हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि हर नोड जंक्शन नहीं होता पर हर जंक्शन नोड होता ही होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, मैंने चार यहाँ पे क्या कर दिए, जंक्शन को मार्क कर दिया, नोड को मार्क कर दिया, जंक्शन यानी नोड, वो भाई मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ऐसे समझिए। चलिए अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं टेक्निक बताने वाला हूँ कि इससे ग्राफ कैसे निकालेंगे आप सर्किट का। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इतनी चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हाँ तो ब्रांच आप किसको बोलेंगे ये पहले समझना ज़रूरी है। तो ब्रांच आप किसको बोलेंगे, ध्यान में रखिए दो नोड के बीच में, ध्यान में रखिए दो नोड को जॉइन करने वाली जो भी आपको एक पाथ मिलेगी, भले उस पाथ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, आइदर वो एक्टिव हो पैसिव हो जितने भी हो, तो उस पाथ को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम ब्रांच। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए से लेके डी तक के, तो ए से लेके डी तक के ये जो पाथ बनी है जिसपे एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस आर वन है, तो इसको पूरे इस पूरे कॉम्बिनेशन यानी कि ए से लेके डी तक ये हो गई आपकी फर्स्ट ब्रांच, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ कि चलिए ये हो गई मेरी फर्स्ट ब्रांच, मैंने नाम दे दिया उसको फर्स्ट। ए से लेके बी तक ये ज्वाइन करने वाली है तो ये हो गए सेकेंड ब्रांच। ओके, उसके बाद में हाँ बी से लेके डी तक के ये यहाँ पे दी हुई है, तो या फिर मैं इसको ले लेता हूँ पहले, ए से लेके सी तक के दी है तो मैं इसको बोल देता हूँ थर्ड ब्रांच। ज़रूरी नहीं है, आपके मन से आप नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसी को ही थर्ड दीजिए, ऐसा कोई मतलब मेरा बोलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बी से लेके डी तक के इसको मैं बोलता हूँ फोर्थ ब्रांच, उसके बाद बी से लेके सी तक के इसको बोलता हूँ मैं फिफ्थ, और सी से लेके डी तक के इसको बोलता हूँ मैं सिक्स्थ ब्रांच। तो ऐसे छह नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, हाँ आप बोलेंगे सर तो इसको ब्रांच ही बोलना है ना, तो सपोज अगर आप बोले कि जैसे कि यहाँ पे बोले, तो सपोज अगर यहाँ पे ये है यहाँ पे बी है और इसके बीच में सपोज कुछ भी नहीं है सिर्फ खाली लाइन है, तो क्या इसको हम ब्रांच बोलेंगे? नहीं फ्रेंड, ध्यान में रखना है इसको हम ब्रांच नहीं बोल सकते, बिकॉज ये वायर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एक तो भी मिनिमम एक्टिव या पैसिव एलिमेंट हो तो ही उसको ब्रांच बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर वहाँ पे सिंगल लाइन दी हुई है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको आप ब्रांच करके कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज अगर यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं होता, आर टू अगर नहीं होता, तो इसको मैं ब्रांच कंसिडर नहीं कर सकता। उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो बस फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि मिनिमम एक तो भी एक्टिव या पैसिव एलिमेंट उस ब्रांच उस पर्टिकुलर पाथ में होना है, तभी जाके उसको हम ब्रांच बोल सकते हैं।
ओके तो चलिए फिर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने अपने नोड्स और ब्रांच को नाम दे दिया। ओके अब मुझे बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, सिंपल ग्राफ मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा, देखिए मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो मेरे नोड्स है, ये मेरे जो जंक्शंस है, उनको जिस स्कीम में, मतलब जिस पर्टिकुलर इसमें अरेंज किए हुए है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन में वो प्रेजेंट है, उन्हीं को उन्हीं पोजीशन में मार्क कर देना है, उसके बाजू में ग्राफ बना देना। तो देखिए इसका मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर दूंगा, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ओके और इसके बाद में ये नीचे आ गया मेरा डी। देखिए जिस फैशन में यहाँ पे ये अरेंज था ए बी सी डी, उसी फैशन में मैंने यहाँ पे उनको लिखा था, ओके हो गया। चलिए अब ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। ओके तो सबसे पहले मेरे को मार्क करना है फर्स्ट ब्रांच, ओके ध्यान दीजिए फर्स्ट ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच में क्या क्या है, देखिए एक रेजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, ओके एक रेजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसको निकालना है। तो क्या जरूरी है इसको ऐसे ही निकालना है, नहीं फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा आपको क्या करना है, ये जो पैरामीटर्स है, सॉरी ये जो आपके एलिमेंट्स है, मतलब रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स, इन रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल लाइन से। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी आपको ग्राफ निकालना है किसी भी सर्किट का, तो वो जो सर्किट के एलिमेंट्स है उनको आप रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल लाइन से, मतलब ये जो R1 और वोल्टेज सोर्स है इसको रिप्लेस कर देंगे सिंगल किससे, लाइन सेगमेंट से। तो मैं कैसे करूंगा, इसको निकालते वक्त में मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, तो मैं सीधा सीधा A को D के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं A को D के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ओके और कितने नंबर की ब्रांच है, फर्स्ट नंबर की, तो यहाँ पे नंबर मार्क कर दूंगा मैं फर्स्ट। बहुत सिंपल है, क्या करना है देखिए ध्यान में रखिएगा, ये जो पाथ है ए से लेके डी तक के, इस पे भले ही रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनको रिप्लेस कर देना है एक सिंगल लाइन सेगमेंट से, और वो भी ऐसे कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो ए और डी के साथ में। तो मैंने सीधा ए और डी के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, हो गया क्लियर। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ए और बी के बीच में देखिए एक रेजिस्टर है आर टू, तो ये आर टू जो है, ये जो हमारी सेकेंड ब्रांच है, तो बस सीधा सीधा उस R2 को रिप्लेस कर देंगे लाइन सेगमेंट से। ये देखिए सीधी लाइन निकाल दी मैंने और उसको नाम दे दिया नंबर टू, तो ये हो गई मेरी लाइन सेगमेंट, तो ये हो गई सेकंड लाइन। अब थर्ड को देखिए, A से लेते हुए, A से होते हुए C तक के अगर हम जाए थ्रू रेजिस्टर R3, तो देखिए कैसे गया, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो क्या ऐसे ही मुझे ड्रॉ करना है, नहीं मुझे तो बस A को C के साथ कनेक्ट करना है और दिखने में भी अच्छा होना, ओवरलैप होने को नहीं होना, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि बस यहीं पे ऐसे निकालो, नहीं अब मुझे उसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए से सी तक जाना है, बस एक सिंगल लाइन, सिंगल लाइन मतलब सिंगली सिंगल पाथ से वो वहाँ तक के पहुँचने को होना, ओके तो उस हिसाब से ये देखिए मैं ए से लेके सी तक के पहुँच गया, इसको नाम दे दूंगा मैं थर्ड करके, ओके नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में देखिए बी से होते हुए डी तक के अगर जाए, तो बी से होते हुए डी तक के बीच में देखिए एक रेजिस्टर आर फोर है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, देखिए ये हो गया रिप्लेस, हो गई मेरी फोर्थ ब्रांच, ओके उसके बाद में बी से होते हुए सी तक के देखिए आर फाइव रेजिस्टर है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे सिंगल लाइन सेगमेंट, तो बी से होते हुए सी तक के ये हो गई मेरी फिफ्थ। और लास्ट में देखिए अभी सी से होते हुए डी तक के ये देखिए रेजिस्टर आर सिक्स है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, पर उनको कनेक्ट करना है, तो हमेशा ध्यान में रखना ग्राफ निकालते वक्त में उसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, तो सी से होते हुए डी तक के कनेक्ट, बस हो गया कनेक्ट, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया इसको बोलेंगे हम ग्राफ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सर्किट में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स या जंक्शन होंगे उनको हम लाइन सेगमेंट से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राफ। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ। क्लियर। अब फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में, ओके अब मुझे बताइए, अब मैंने आपको बोला कि ठीक है ये हो गया ग्राफ, अब मुझे बनाना है इसका ओरिएंटेड ग्राफ। मैंने आपको बोला कि इसका मुझे क्या बनाना है, ओरिएंटेड ग्राफ बनाना है, या फिर मुझे इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो डायरेक्टेड या ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टेड या ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि ये जो है इसमें तो नोड्स मार्क किए हुए हैं, उसके बाद में ब्रांच के नंबर मार्क किए हुए, पर इसमें करंट की डायरेक्शन दी हुई नहीं है, ओके इसलिए इसको हमने सिंपल ग्राफ बोला। इसको क्या बोला हमने, सिंपल। पर अगर इसी ग्राफ में अगर हम करंट की डायरेक्शन को मार्क करें
तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। तो देखिए हम डायरेक्टेड ग्राफ या फिर आप उसको ओरिएंटेड ग्राफ बोल सकते हैं, ओके। तो डायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए डायरेक्टेड ग्राफ या फिर उसी को आप ओरिएंटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं, ओके। तो डायरेक्टेड या ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं यही पे बता देता हूँ आपको कि कैसे आप उसका डायरेक्टेड या ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है वो, ओके। तो क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो स्ट्रक्चर है ना उसको तो हमने को मार्क करना ही करना है, बस उसको बस निकाल लेना है, मतलब ग्राफ जो है ना बस उसको कॉपी मार दो। चलो टाइम पास क्या करना, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको कॉपी कर देता हूँ। देखिए मैं छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, ओके। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, और नीचे पे मार्क कर देता हूँ मैं डी, ओके। चलिए आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, एक मिनट, तो मैं यहां पे ले लेता हूं ओरिएंटेड या फिर इसी को हम बोलेंगे डायरेक्टेड, ओके। तो ओरिएंटेड या डायरेक्टेड का कौन सा, तो इसको कॉपी मार लेता हूं मैं, मतलब ये ए, ये बी, उसके बाद में ये सी, ठीक है, उसके बाद में इसके नीचे ये डी, ओके। उसके बाद जैसे कनेक्टेड है उन सभी ब्रांचेस को मैं निकाल दूंगा। देखिए कुछ भी टाइम पास नहीं करना, फालतू में जिस चीज़ में काम है कि वहाँ पे टाइम जाए वो ठीक है, जहाँ पे काम नहीं है वहाँ पे फालतू टाइम पास नहीं करना, ओके। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ये थी मेरी फर्स्ट, उसके बाद में ये थी मेरी सेकंड ब्रांच, ये थी मेरी थर्ड, उसके बाद में ये थी मेरी फोर्थ, ये थी मेरी फिफ्थ, और ये थी मेरी सिक्स्थ ब्रांच। यहाँ पे नाम दिया था मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ओके। चलो हो गया, ग्राफ तो बन गया मेरा। अब मुझे पर ग्राफ नहीं होना, मुझे होना है अभी ओरिएंटेड ग्राफ। तो ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगा मैं, ध्यान दीजिए। ओरिएंटेड के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए, ओके। आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है, क्या करनी है आपको, करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि सर करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है उसके लिए कुछ लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। आप अपने मन से, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मार्क करेंगे और उसको अज्यूम करेंगे एक तरह से कि वो पॉजिटिव है। अपने को पता नहीं है कि एक्चुअल में उस सर्किट में जो करंट जा रहा है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बस ये सब अजम्पशन का फंडा है। तो आप बोलेंगे सर हमने अगर मार्क किया और एनालिसिस करने के बाद में पता चला कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स इससे कुछ आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा, इससे सिर्फ यही पता चलेगा कि आपने जो डायरेक्शन उसके अज्यूम की है वो डायरेक्शन जो है वो अजम्पशन में रॉन्ग हो गई, इसलिए वो नेगेटिव साइन दिखाएगा। अगर आपने अज्यूम की हुई सपोज क्या है जो डायरेक्शन है वो अगर पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ गए तो आपने अजम्पशन जो में जो डायरेक्शन ली है उसका मतलब वो आपने सही ली है, उसका ये नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन के अजम्पशन है ये एक तरह से देखा जाए तो तुक्के जैसा है, जैसे कि आप जाते हैं ना, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं बहुत से पेपर, बहुत से बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, रात भर जागते हैं, सब करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, और दूसरे दिन बस भगवान का नाम लेते हैं, ए बी सी उसको सिलेक्ट करूँ, चलो लग गया तो लग गया, मिल गए तो मिल गए, बस उसी तरह इसका काम है। पर इसको ऐसा नहीं समझना कि बस इसमें भी वैसे करें, हम थोड़ा सा उसमें भी लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा। कैसे, देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कौन सा, कि अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स हो, हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स हो तो एक से ज़्यादा अगर वोल्टेज सोर्स हो कोई बात नहीं है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, सपोज 100 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, 80 वोल्ट का है, तो 100 जो है वो बड़ा है, तो आप एक सीधा सा फंडा लगाएंगे उसको रेफरेंस कंसिडर कर लीजिए। सिर्फ अजम्पशन ही है, इसमें भी रॉन्ग हो सकती है डायरेक्शन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मैक्सिमम टाइम आपके जो आंसर है वो मैक्सिमम टाइम क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए तो जो भी बड़ी मैग्नीट्यूड का वोल्टेज सोर्स होगा, एक रहा तो वो भी दिक्कत नहीं, मल्टीपल रहे तो भी दिक्कत नहीं, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चलो उसके हिसाब से। तो सपोज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, मैं अपने कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई किसी बुक के नहीं बता रहा हूँ, ओके, बस सिंपल आपको ध्यान में रखने के लिए, ओके। तो ये पॉजिटिव है तो हमेशा हमें पता है कि करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो चलो उस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। चलो कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ से करंट मेरा स्टार्ट हुआ, देखिए मैंने लगा दिया अपना कॉन्सेप्ट, क्या कर दिया कि यहाँ से करंट मेरा स्टार्ट होगा। चलो आगे देखेंगे अपना आंसर रॉन्ग होगा राइट होगा, भगवान जाने, ओके। चलो
एनालिसिस के बाद में पता ही चलेगा। ओके, तो यहाँ से हो गया ये स्टार्ट, फिर यहाँ से आ गया, यहाँ से डिवाइड। तो ये सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से एक करंट जाएगा इधर, दूसरा जाएगा मेरा इधर, इस कॉन्सेप्ट से आ गया मैं। उसके बाद में एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, आपके पास चॉइस है, अब आप देखेंगे कैसे। तो चलो इसके हिसाब से ये पास वाले इसको लेता हूँ मैं, यहाँ से आ गया करंट, यहाँ से फिर से डिवाइड होगा ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो एक करंट जाएगा ऐसे, एक जाएगा ऐसे, ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद में ये करंट ऐसे आ रहा इधर, ओके, और ये भी करंट होते हुए ऐसे आ रहा इधर। तो देखिए ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, इसका मतलब कंसिडर करता हूँ कि ये ऐसे जाएगा। अजम्पशन है भाई, मैंने आपको पहले भी बोला, आपकी चॉइस। आपको नहीं भी लगा है लॉजिक कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इतना ही होगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया है तो इतना ही होगा कि आपने जो अज्यूम किया वो गलत हो गया, मतलब अजम्पशन आपके डायरेक्शन में हो गई, आंसर में नहीं, आंसर आपका सही है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्शन को मार्क कर दिया। और अब क्या करूँगा, ये जो करंट की डायरेक्शन मैंने अज्यूम करके मार्क की ना, बस उसको इसमें मैं लगा दूंगा, बस हो गया मेरा ओरिएंटेड ग्राफ। मतलब कैसे, जैसे कि मेरी फर्स्ट ब्रांच है, तो फर्स्ट ब्रांच में मैं क्या देखूंगा, कोई भी एक चीज़ को ध्यान में रखो, जब कभी भी डायरेक्शन मार्क करनी है या तो किसी नोड की तरफ का इनकमिंग कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो या फिर किसी करंट का आउटगोइंग कॉन्सेप्ट। इनकमिंग का मतलब आने वाला, अगर समझो दूसरा कोई पर्सन है मेरे सामने खड़ा है, वो मेरी तरफ आ रहा तो वो हो गया मेरे तरफ इनकमिंग, और अगर उस पर्सन को मिलने के लिए मैं जा रहा तो ये हो गया उसके लिए, मतलब मेरे लिए ये हो गया आउटगोइंग, मतलब मैं उसकी तरफ जा रहा ये हो गया आउटगोइंग। जिसकी आप कॉल लगाते ना, तो आपके फ्रेंड का कॉल आपको आता है, मतलब उसका कॉल आपको आ रहा है, मतलब आपके मोबाइल से, तो वो क्या हो गया इनकमिंग, पर अगर आप उसको कॉल करें तो वो क्या हो गया आउटगोइंग। बस वही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो मेरे फर्स्ट ब्रांच में क्या ध्यान में रखूंगा, देखिए ये है मेरा नोड ए, तो नोड ए की तरफ देखिए करंट कैसा है, ए की तरफ आ रहा है, ध्यान दीजिए कैसा है, ये जो डायरेक्शन है एरो का पॉइंटर है, ए की तरफ दिख रहा है, ए की तरफ जा रहा है, बस उसकी तरह देखेंगे अपन भी अपने ओरिएंटेड ग्राफ में। तो ये ए है, तो ए की तरफ फर्स्ट ब्रांच जाने को ना करंट, चलो मार्क कर दिया, हो गया काम। ओके, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाता, अब यहां से देखिए ए से होते हुए ये करंट जा रहा है, ये सेकंड ब्रांच का जो करंट है ए से निकल रहा है, बाहर जा रहा है। तो चलो यहाँ पे ए है तो ए से निकल के जा रहा है, चलो इसको मार्क कर दिया, हो गए इसकी डायरेक्शन मार्क। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स अब तीसरा कौन सा है, देखिए यहाँ से देखेंगे ये तीसरा, तो ये करंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ए से निकल के जा रहा है, ए से निकलते हुए जा रहा है, बस इसको मार्क कर दिया। वो नहीं देखना कि दूसरा एंड क्या है, वो बाद में देखते बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ की तरफ देखेंगे, फोर्थ की तरफ अगर देखें तो देखें फोर्थ ब्रांच में बी से होते हुए, मतलब बी से निकल रहा है फोर्थ ब्रांच में, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे है, ये बी है, तो बी से निकल रहा है, चलो इसको मार्क कर दिया, हो गया। अब उसके बाद में उनको मार्क करना है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जो है तो वो आर फाइव से, मतलब बी से होते हुए सी की तरफ जा रहा है, तो मेरे को वो नहीं देखना, बस फिफ्थ नंबर की ब्रांच और बी से निकल रहा है, फिफ्थ नंबर की ब्रांच बी से निकल रहा है, बस मार्क कर दिया, हो गया। उसके बाद में सिक्स को मार्क करना है, सी से निकल रहा है, सिक्स नंबर सी से निकल रहा है, तो सी से निकलेगा ये ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला, जिसमें तो मतलब जो जंक्शन है या फिर नोड है, साथ में लाइन सेगमेंट भी है, और उसमें अब करंट की डायरेक्शन भी मार्क है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्रेंड्स ओरिएंटेड ग्राफ, या फिर हम उसी को बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। क्लियर, और एक न्यूमेरिकल लेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वक्त ना जाया करते हुए हम सेकंड न्यूमेरिकल को देखेंगे। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, अभी मैंने वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो आगे चल के आने वाले पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। आज बस आपको बस कोई भी सर्किट लेना है और उस सर्किट का आपको क्या बनाना है, आपको ग्राफ और ओरिएंटेड ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो खास करके कीजिए, आपको जो नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट होता है NA, बहुत फेमस है, बहुत से बच्चे उसको घबराते हैं, पर इसके जैसा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको पूरे इंजीनियरिंग में कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए अब सेकंड सर्किट में लेता हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ। तो सपोज अगर आपका सर्किट ऐसे है,
चलिए, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बोला था उसके लिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। चलो इस तरह से आपको सर्किट दिया हुआ है, ओके। तो सपोज ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स V1, ये हो गया सपोज R1, ये हो गया सपोज V2, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, ये हो गया R6, ये हो गया V3। और फ्रेंड्स अब ध्यान में रखिए, सपोज कंसिडर कीजिए इन सब केस में ऐसी कंडीशन है सपोज कि V2 बड़ा है किससे, V1 से, और V1 जो है वो बड़ा है सपोज V3 से। चलो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सपोज इसकी वैल्यू 100, मतलब इसकी वैल्यू 100 होगी, इसकी 60 होगी, तो इसकी क्या होगी, 40 होगी। मतलब ये 100 का है, ये 60 का है सपोज, और ये 40 का, ऐसा कंसिडर करेंगे। तो 100 क्या हुए, बड़े हुए 60 से, बड़े हुए किससे, 40। ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ और ओरिएंटेड ग्राफ बनाना है, ओके। चलो मैं एक ही स्ट्रक्चर में ग्राफ बताता हूँ, उसी में आपको ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ओके। फिर डायग्राम निकालने में कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएंगे, आपको भी बोर होगा, मुझे भी बोर होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलो कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले हम ब्रांचेस को नाम मार्क कर देते हैं, मतलब ब्रांचेस जो है उनको नाम देना है हमें। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस सर्किट में ये जो दिया है इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, तीन लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, तीन लूप है। तो हम जंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे जंक्शन को। तो देखिए जंक्शन कैसे, तो ये देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये तीन ब्रांच यहाँ पे मीट हो गई। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं ए। उसके बाद 1 2 और ये पूरी 3, ये हो गया बी, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। और अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखिए ये हो गया, मतलब यहाँ से होते हुए ये हो गई एक ब्रांच, ये हो गई दूसरी ब्रांच, ये हो गई तीसरी ब्रांच, ये हो गई चौथी ब्रांच। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पे हम जंक्शन क्या ले, तो फिर हम इसको जंक्शन ले क्या, या फिर हम इसको जंक्शन ले क्या। अब चलो मैं अपना कॉन्सेप्ट बता, तो सपोज आपने ले भी लिया फ्रेंड्स, इसको एक ब्रांच, इसको दूसरी ब्रांच, ऐसा कंसिडर किया, और इसको सपोज आपने कंसिडर कीजिए है तो नहीं एलिमेंट, पर कंसिडर कीजिए कि इसको मैंने, तो इसको नाम दे दिया मैंने सी करके। क्या कर दिया मैंने, नाम सी करके। और यहाँ पे देखिए ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और कंसिडर कीजिए, एलिमेंट तो है नहीं पर कंसिडर कीजिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ सी डैश। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपने इसको गलती से सी दे दिया, इसको सी डैश, या फिर इसको डी भी नाम दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या है आपका, न्यूमेरिकल आपके ध्यान में आ जाएगा कि हमने जो मार्क किया है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नोड जंक्शन या एक्स्ट्रा नोड मार्क किया है। वो कैसे ध्यान में आएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ब्रांच आप किसको बोलेंगे, हम उसको ब्रांच बोलेंगे जो दो नोड को ज्वाइन करते वक्त उसमें मिनिमम एक तो एक एक्टिव एलिमेंट या फिर पैसिव एलिमेंट होना। एक्टिव पैसिव का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, नेटवर्क एलिमेंट करके जो वीडियो हमने बनाया उसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको भी ध्यान से देखिए अगर अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बना हो। तो एक्टिव और पैसिव मतलब अगर वोल्टेज सोर्स है या फिर आपका क्या बोलते हैं हम रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर है, ऐसे अगर एलिमेंट जो है वो अगर दो नोड के बीच में है तो ब्रांच कहलाएंगे। यहाँ पे जरा गौर कीजिए, सी और डी के बीच में कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब कि सी और डी ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, तो वो दोनों भी पॉइंट एक ही है। मतलब या तो इसको सी बोला तो इसको भी सी बोलिए, या तो इसको डी बोला तो इसको भी डी बोलिए, कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो है इसका कनेक्शन एक्चुअल में ऐसे होता है, ध्यान में रखिएगा, इसका जो कनेक्शन है एक्चुअल में ये इस तरह से होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी पैसिव एलिमेंट नहीं है कि जिससे हम उसको तीसरा क्या कर दे, तीसरा पर्टिकुलर नोड करके ये करते हैं, ओके। तो ये जो है सबका एक ही क्या रहेगा, नोड रहेगा, एक ही ये रहेगा, इसीलिए ये जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ओके। और जो आपको अगर कंफ्यूज हो भी गए कि गलती से आपने मार्क भी कर दिया कि इसको सी कर दे, इसको डी, तो फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि इसके बीच में एक्टिव या पैसिव एलिमेंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अगर सी है तो ये भी सी ही रहेगा, बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में। बहुत बड़बड़ करता हूँ मैं, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, पर पढ़ाना मेरे मतलब अच्छे से आपको समझे यही मेरी कोशिश रहती है, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो चलिए ये मैंने मार्क कर दिया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका बनाऊँगा मैं अपना ग्राफ। देखिए सबसे पहले मैं बनाऊँगा इसका ग्राफ,
ओके अब एक ध्यान में रखना, यहाँ पे सी सी भले ही है पर आप दो बार सी नहीं निकालेंगे, एक ही नाम देंगे। ओके तो चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं रखता हूँ कहीं पे भी, यहीं पे नहीं यहीं पे नहीं, चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सी करके, चलो कन्फ्यूजन नहीं दूर। ओके चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, चलो पहले आप मार्क करेंगे हमारे जो नोड्स है या फिर जंक्शन है उनको। तो ये यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी तीन है, चलो तीन को मैं मार्क कर देता हूँ, ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ सी। चलो इस जिस फैशन में मैंने यहाँ पे दिया उसी फैशन में मैंने इधर ड्रॉ कर। ओके चलो अब मेरी बारी आती है कि ब्रांचेस कितनी है। ओके कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी रजिस्टर के हिसाब से ब्रांच को नाम मत देना। मतलब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पहला रजिस्टर तो फर्स्ट ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच है, चौथी ब्रांच है, पाँचवीं ब्रांच है, छठी ब्रांच है, गलती मत करना ये छठी ब्रांच नहीं है, वो एक ही ब्रांच है। तो कॉन्सेप्ट आपको ब्रांच के लिए ध्यान में रखना है कि दो नोड को ज्वाइन करने वाली पाथ, दो नोड को ज्वाइन करने वाली पाथ जिनमें मिनिमम या तो एक एक्टिव एलिमेंट या फिर एक पैसिव एलिमेंट, मिनिमम मैक्सिमम कितने भी रहे चलेगा। तो आप कैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे देखिए, जैसे कि ये ए है और इसको बोला हमने सी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कोई भी सी है तो ए और सी के बीच में ये पाथ आती है, तो इसमें एक रजिस्टर वोल्टेज सोर्स भले ही हो, भले ही दो एलिमेंट हो पर ये हो गए सिर्फ एक ब्रांच, तो इसको हो गई हमारी फर्स्ट ब्रांच, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ए और सी, ए और सी के बीच में ध्यान दीजिए, ए और सी के बीच में फिर से क्या है, एक रजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स, भले ही ये दो एलिमेंट होंगे पर ये हो हम कंसिडर करेंगे सिंगल ब्रांच, तो इसको नाम देंगे हम सेकेंड ब्रांच। उसके बाद में ए और बी के बीच में मिनिमम एक रजिस्टर है, तो ये हो गया हमारी थर्ड ब्रांच, अपने मन से देखा मैं। ओके नेक्स्ट फिर से ए और सी के बीच में ये रजिस्टर फोर है, तो ये हो गई मेरी फोर्थ ब्रांच। और अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बी से लेते हुए होते हुए सी तक के अगर जाए, तो बी से होते हुए सी तक के अगर गए तो यहाँ पे देखिए आर फाइव आर सिक्स और ये वोल्टेज सोर्स तीन एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे फिफ्थ ब्रांच। मतलब ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फाइव ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट। चलो हो गया काम हमारा, बनाएंगे अपना पर्टिकुलर ग्राफ। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रांच को नाम देंगे, तो कहाँ से कहाँ तक के फर्स्ट ब्रांच, ए से होते हुए सी तक के, तो ए से होते हुए सी तक के है, चलो मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कर सकते हैं। चलो मैंने ए से होते हुए सी तक के इसको मार्क कर दिया। ओके ठीक है, एक मिनट, हाँ एक प्रॉब्लम और बताना था, सॉरी। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखना, बहुत बार क्या होता है कि जब हम ब्रांच मार्क करते हैं तो बहुत बार नंबर ऑफ ब्रांचेस दो पर्टिकुलर नोड के बीच में आती है, हमेशा ध्यान में रखना, नंबर ऑफ ब्रांचेस दो पर्टिकुलर नोड के बीच में आती है। मतलब जैसे कि ए से होते हुए सी तक के अगर देखें, तो ए और सी के बीच में देखिए ये फर्स्ट ब्रांच भी है और ये सेकेंड ब्रांच भी है, हमेशा ध्यान में रखना, फर्स्ट ब्रांच भी है सेकंड ब्रांच भी है। तो अगर ऐसे दो दो से ज़्यादा भी अगर ब्रांचेस आती होंगी, दो कॉमन किस पे, नोड पे, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, उन्हें कभी भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना। मतलब अगर ये फर्स्ट ब्रांच है सेकंड ब्रांच है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना। आपको क्या करना है, सिंपल एक काम कर देना, फर्स्ट और सेकंड दो है ना, तो चलो जो पहली वाली है जो आउटर दिख रहे उसको आउटर निकाल लो ऐसे, जैसे कि ए से होते हुए सी तक के जाना है, चलो मैंने इनसे आउटर दिखा दिया, ये हो गई मेरी फर्स्ट, और दूसरी जो है उनको हम ड्रॉ कर देंगे सीधे इस तरह से, ए से होते हुए सी तक, ये हो गई मेरी सेकंड। पर कभी ऐसा नहीं करना कि ये एक ब्रांच और इसी के बाजू में ऐसी दूसरी ब्रांच, ये आपका जो नोटेशन है ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान में रखना। हमेशा अगर दो पर्टिकुलर क्या दी होंगी, पाथ दी होंगी, दो पर्टिकुलर ब्रांचेस दी होंगी, तो इनको इस तरह से सेपरेट निकालेंगे। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच, ये बाहर दिख रहे हैं मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको बाहर से ऐसे निकाल दिया, इधर से इसको ऐसे निकाल दिया, हो गया। ओके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड ब्रांच निकाल, थर्ड ब्रांच ए और बी के बीच में है, चलो ए और बी के बीच में थर्ड ब्रांच, ये हो गई मेरी थर्ड ब्रांच। उसके बाद में बी से होते हुए सी के बीच में, तो बी से होते हुए सी के बीच में, अब देखिए बी और सी के बीच में ये फोर्थ भी है और ये फिफ्थ भी है, अब क्या करूँगा, तो इंटरनली दिख रहे मेरे को फोर्थ, चलो इसको मैं सीधे स्ट्रेट लाइन निकाल दूंगा फोर्थ, इजी है, बहुत कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता, इजी है फोर्थ। और ये देखिए यहाँ से होते हुए ये जो है ये हो गए मेरी फिफ्थ, तो चलो मैं इसको आउटर है तो मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, ये हो गए मेरी फिफ्थ। ओके तो फ्रेंड्स अभी ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको बोलेंगे हम ग्राफ,
देखिए अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्राफ। क्यों बोलेंगे ग्राफ? रीजन ऐसा है फ्रेंड्स कि इसमें अभी भी करंट की डायरेक्शन मार्क की हुई नहीं है, ओके। पर अगर हम इसमें अब करंट की डायरेक्शन मार्क कर देंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा ओरिएंटेड। तो चलो इसी ग्राफ पे मैं बना देता हूँ ओरिएंटेड। अगर आपको ये ग्राफ ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए मैं नहीं दिखूंगा, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए इजीली। आपको इस स्ट्रक्चर का किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं वो आपको ध्यान में आ जाएगा, ओके। अब चलो इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा है, डायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेड ग्राफ, ओके। डायरेक्टेड या ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या आता है? तो मैंने आपको बोला कि करंट की डायरेक्शन होना है। अब प्रॉपरली मैंने आपको बोला कि आप अपने मर्जी के मालिक है, आप करंट की डायरेक्शन कैसे भी मार्क कीजिए। अगर एनालिसिस के बाद अगर आपका आंसर उस ब्रांच के करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो आपने अज्यूम की डायरेक्शन सही है, पर अगर वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग नहीं हुआ, सिर्फ आपका जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हुआ, ओके। मतलब क्या है, देखिए कि जैसे कि यहाँ पे अब मैंने बोला कि सपोज V2 बड़ा है V1 से V3 से, उसके लिए मैंने एग्जांपल में बोला कि सपोज V2 की वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू है 60 और इसकी वैल्यू है 40, तो बड़ा कौन रहेगा? 100। तो हम प्रिफरेंस किसको देंगे फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में दीजिए, जो बड़ा है उसको। बस अजम्पशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी कुछ है अजम्पशन है, उसमें भी रॉन्ग हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं कि मैं 100% ही सही रहूंगा, पर मैक्सिमम ब्रांचेस के जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए ये हो गया मेरा पॉजिटिव। तो क्या बताया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी है, ये बड़ा है, देखिए ये बड़ा है, तो इसके मैं स्टार्ट करूंगा, सपोज यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, ओके। ये करंट आया यहाँ से होते हुए यहाँ तक के, यहाँ से होगा वो डिवाइड, एक जाएगा इधर दूसरा जाएगा इधर, मैं उसी इसके हिसाब से चल रहा, ओके। अब इधर जाके देखूँ तो कोई है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे वापस का कॉन्सेप्ट बनेगा, मैं इसके हिसाब से जाऊंगा। अब ये करंट इधर जाएगा, फिर ये डिवाइड, एक जाएगा इधर दूसरा जाएगा इधर, ओके। चलो हो गया कॉन्सेप्ट, बन गए सब, चलो मार्क कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, या तो इनकमिंग का कॉन्सेप्ट या तो फिर आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट, और कौन सी नंबर की ब्रांच है उसका कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे अब मैं देखूँ तो मेरी फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है, तो फर्स्ट ब्रांच किसके बीच में है, ए और सी के। देखिए फर्स्ट ब्रांच का जो करंट है वो ए से निकल रहा है, क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रांच का करंट ए से निकल रहा है। तो फर्स्ट ब्रांच मेरी ये है, ये ए है, तो ए से निकल रहा है, ए से आउटगोइंग, तो यहां से मेरा करंट आउटगोइंग क्या हो जाएगा, यहां से मेरा करंट आउटगोइंग हो गया। बाकी कुछ भी नहीं देखना, इधर ध्यान नहीं देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से बताता हूं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट नंबर की मैंने ब्रांच देखी, फर्स्ट नंबर की ब्रांच में जो करंट वो ए से निकल रहा है इतना देखा मैंने, तो फर्स्ट नंबर ये है, यहाँ से निकलेगा, बस हो गया। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की तरफ देखो तो करंट जो है वो ए की तरफ आ रहा है, ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर की जो ब्रांच है उसमें करंट ए की तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है, तो उधर मार्क कर देंगे हमारे को ऐसे, ओके। थर्ड में देखे तो थर्ड में देखिए, थर्ड ब्रांच में ए से करंट निकल रहा है, ए से थर्ड में करंट निकल रहा है, तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ में अगर देखें तो फोर्थ में करंट बी से निकल रहा है, फोर्थ यहां पे है, बी से निकल रहा है, तो ये हो गया बी से आउट। और फिफ्थ ब्रांच में बी से फिर से करंट निकल रहा है, तो फिफ्थ ब्रांच में भी करंट बी से निकल, तो यहां पे देखिए इसमें लाइन सेगमेंट भी है, जंक्शन भी है, और करंट की डायरेक्शन भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे हम डायरेक्टेड ग्राफ या फिर ओरिएंटेड, ओके। फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मन से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, और रोज़ाना वीडियोस को देखते जाइए। हर दो दिन के बाद में आपको न्यू वीडियो मिलता जाएगा, ओके। और आने वाले एक वीक के बाद आपको डेली दो वीडियो डेली मिलेंगे, तो आपको प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। आपकी SSC एग्जामिनेशन है मार्च में, तब तक के आपका 100% सिलेबस हो जाएगा, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपके अगर कोई भाई बहन है, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, और उनको अपना नॉलेज के हिसाब से, मतलब आपको नेटवर्क एनालिसिस में अभी भी दिक्कत जाती हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर इस पर अपलोड होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई मेरी गलती होती हो समझाने में, या फिर आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी आती हो, या फिर आपको
कोई ऐसा टॉपिक होना हो कि आप मन से चाहते हो कि नहीं सर ये टॉपिक जो है इस पर आप हमें कोई इतना कोई आप वीडियो बनाए और अपलोड करें, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके उन सुझाव की तरफ ध्यान देंगे और उसकी तरह आपको वीडियो भी सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्वेक, ट्री क्या होती है, को ट्री क्या होती है, सब ग्राफ क्या होता है उसके बारे में, और साथ ही इंसिडेंस मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये रहेगा हमारा सेकंड पार्ट। तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।